from East West. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत चावला लाइव वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की, जब हम बात करते हैं अनलिमिटेड अबंडेंस की, जब बात करते हैं कि बहुत सारा हो, भर भर के हम खाएं, जितना पेट है उतना है खाएंगे, लेकिन हमारे किचन में खाना पड़ा हुआ है, चिंता नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, चिंता नहीं है, तो आपकी उस चिंता को ख़त्म करने के लिए कामधेनु गाय बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत उपयुक्त वास्तु एलिमेंट है। कामधेनु काओ को अगर आप ईस्ट में रखते हैं तो समझ लीजिए कि जितना मान सम्मान आपके जीवन में है उससे 10 गुना ज़्यादा होकर के आपको मिलेगा। कामधेनु काओ को अगर आप नॉर्थ में रखते हैं तो समझ लीजिए कि जितना पैसा आपके जीवन में है 10 गुना होकर के मिलेगा। दोस्तों, सिर्फ रखना नहीं है, इस सेक्रेड काओ पे आपने ध्यान लगाना है। अपने सामने आपने रखा और इस पर ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने का अर्थ ये होता है कि इसे कुछ पल आपने बहुत आराम से देखना है और फिर उसके बाद आंख बंद करके आपको यह गाय नज़र आनी चाहिए। यह विष काओ है, इसे विष काओ कहा जाता है, यानी कि जो भी आपके मन में विष होगी यह काओ उसे पूरा कर देगी। इस काओ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं और इस पे एक स्त्री का फेस है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में कामधेनु काओ के अंदर मैं आ जाऊंगा, यानी कि मेरी छवि इसके अंदर भी आप ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप इस छवि को अपने आसपास रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का भी संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता है। वास्तु के कई दोषों को दूर करने में यह हेल्प करती है। नॉर्थ ईस्ट में रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, साउथ में रखने से आपकी उम्र बढ़ती है, साउथ वेस्ट में रखने से आपके धन में स्टेबिलिटी आती है। तो समझिए कि कामधेनु गाय आप जहाँ पर भी रख देंगे आपको वहीं पर प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और जो सोचेंगे वही पूरा होगा। तो यह एक मस्ट टू हैव वास्तु एलिमेंट है दोस्तों। North, South, East, West.